कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम राइटिंग के बारे में बात करेंगे। सब बच्चों की ये इच्छा होती है कि मैं सबसे अच्छी राइटिंग करूं और सब मेरी राइटिंग की तारीफ करें। सुंदर राइटिंग लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती। सुंदर राइटिंग लिखने के लिए हमें वर्णों की बनावट को सही ढंग से लिखना पड़ता है। उसके लिए हमें पेंसिल को होल्ड करना अच्छे से आना चाहिए। पेंसिल की ग्रिप अगर अच्छी हो तो राइटिंग अच्छी हो सकती है। पेंसिल को अच्छे से शार्प करना जरूरी होता है। तो बच्चों, आज हम स्वरों की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे साथ साथ आप लिखेंगे, इसके लिए आप अपनी नोटबुक निकालिए और मेरे साथ साथ लिखिए। तो चलिए अब हम पहला वर्ण अ से स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। पहले सेमी सर्कल, एक और सेमी सर्कल, फिर बीच में से एक लाइन। ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये देखिए, अर्धगोला, एक और, बीच में से काटती हुई एक और लाइन, इस प्रकार। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बच्चों, ये आप मेरे साथ साथ बनाइए। ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आड़ी टेढ़ी रेखा बनाओगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर वाली रेखा भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ, अपनी नोटबुक पे लिखो। ये क्या बन गया? अ से अनार। लिखो मेरे साथ साथ। ऐसे। अब नेक्स्ट स्वर क्या लिखेंगे? आ से आम। देखिए कैसे लिखते हैं, बिल्कुल सेम अ की तरह। अर्धगोला, एक और अर्धगोला, मीन सेमी सर्कल, काटती हुई रेखा और आगे एक और रेखा, इस प्रकार। एक बार और लिखेंगे हम। देखिए नीचे वाली जो लंबाई है बिल्कुल सेम होनी चाहिए सबकी। एक बार और लिखेंगे। इस तरह लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं लिखना हमें। जैसे बताया कि आड़ी टेढ़ी रेखा तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी। सेमी सर्कल, एक और सेमी सर्कल, इस तरह। देखिए ऐसे लिखना है, आ से आम। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना आपको? क्या बन गया ये? आ से आम। अब आगे हम क्या लिखेंगे? ई से इमली। अब कैसे होती है उसकी बनावट देखिए। एक छोटी सी रेखा, फिर जैसे टमाटर लिखते हैं ना छोटा सा, फिर ऐसे घुमा के काट के लेके आना है, इस तरह, ऐसे। एक बार और लिखेंगे। देखिए कैसे लिखा है, ऐसे घुमा के फिर इसको काट देना है, इस प्रकार। कई बच्चे इस तरह लिखते हैं जो कि सही नहीं लगता। साथ साथ बनाइए बच्चों, मेरे साथ साथ बनाओ। अभी क्या बन गया? ई से इमली। इस प्रकार। अब नेक्स्ट लिखेंगे बड़ी ई। बिल्कुल सेम ई इमली की तरह इसको लिखेंगे और इसके ऊपर एक मात्रा लगाएंगे, इस तरह। एक बार और, ई इमली और ऊपर एक मात्रा लगाएंगे। देखिए इस प्रकार काटना है और मात्रा गोलाई में, राउंड शेप।
कई बच्चे मात्राएं ऐसे डाल देते हैं, पर ये सही नहीं है। इस प्रकार लिखा हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चों, ये क्या बन गया? ई से ईक। अब हम लिखेंगे ऊ से उल्लू। देखिए इस तरह, ये हम बीच में से स्टार्ट करेंगे। देखिए एक बार और लिखते हैं, ऊपर से स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा सा नीचे इस तरह गोलाई बनाते हुए एक और, सॉरी ऐसे नहीं, इस तरह। देखिए सेमी सर्कल, एक और सेमी सर्कल, ये बन गया ऊ। ऊ से क्या होता है? ऊ से उल्लू। ऐसे अब हम लिखेंगे ऊ से ऊन। देखिए कैसे लिखना है, पहले ऊ बना के उसकी पूंछ बनानी है। देखो किस प्रकार, ऊ फिर एक पूंछ, इस प्रकार। इन दोनों की लंबाई सेम होनी चाहिए, ऊपर एक लाइन लगाएंगे। ये क्या बन गया? ऊ से ऊन। बच्चों साथ साथ लिखो मैम के, ऐसे। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? री से ऋषि। देखिए कैसे बनाते हैं, इस प्रकार एक लाइन, एक और लाइन थोड़ी टेढ़ी, एक और लाइन, फिर इस प्रकार से घुमाते हुए छोटा सा ट। देखिए ऐसे बनाना है। एक बार और ट्राई करें, इस प्रकार एक रेखा और ये थोड़ी सी टेढ़ी ऊपर से, ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं बनानी। अब एक रेखा ऐसे, देन इधर से काटती हुई छोटा सा ट टमाटर जैसे, बन गया री ऋषि। देखिए री से ऋषि। तो बच्चों देखो लिखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है, इसकी प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिखो मैम के कैसे लिखना है, इससे आपकी राइटिंग और भी अच्छी हो जाएगी। बच्चे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी अच्छी आपकी हैंडराइटिंग होगी और लिखा हुआ अच्छा भी लगेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ। अब हम नेक्स्ट क्या बनाएंगे? अब नेक्स्ट वर्ब क्या है? ए। किस प्रकार लिखना है उसको? ऐसे सेमी सर्कल और उसको नीचे से इस प्रकार लेके आएंगे। सीधा नहीं लेके जाना, थोड़ा सा गोलाई में, और इसको ऐसे मिला देंगे। ऊपर एक लाइन, शीर्ष रेखा, एक बार और सेमी सर्कल, और घुमा के इस प्रकार लेकर आना है। अब इसको इधर से मिलाएंगे, ये बन गया ए।
ए से क्या होता है बच्चों, ए से एडी, इस तरह। अब क्या बनाएंगे हम, ए बिल्कुल ए की तरह, ए भी इसके ऊपर एक मात्रा लगाएंगे। ये मात्रा थोड़ी टेढ़ी होनी चाहिए, इस प्रकार। एक बार और, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक। अब नेक्स्ट लिखेंगे ओ, बिल्कुल अ अनार की तरह बनाएंगे सबसे पहले, देखिए इस प्रकार। ऊपर एक मात्रा लगाएंगे, ऐसे। एक और ट्राई, इस प्रकार। बच्चों साथ साथ लिखो, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओ से ओखली, नेक्स्ट है आओ, बिल्कुल ओ की तरह, बस इस पे दो मात्राएं लग जाएंगी, इस प्रकार लगानी है। एक बार और, ऐसे। आओ से औरत, अब नेक्स्ट लिखेंगे अंग, अनार लिखकर ऊपर एक बिंदु, लिखना बहुत आसान है, अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई। ये ध्यान रखना है बिंदु कहाँ लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना, इधर उधर लगाओगे गलत हो जाएगा, बिल्कुल लाइन के ऊपर। देखिए कैसे लगाना है, इस लाइन के ऊपर, अंग से अंगूर, ऐसे। अच्छा लग रहा है ना लिखा हुआ। नेक्स्ट है अहा, बस दो बिंदु आगे लगेंगे, अ लिखकर दो डॉट, ऐसे। अहा से कोई शब्द नहीं बनता, ये शब्द के पीछे लगता है। जैसे अब हम इसकी एक एग्जांपल देंगे, पुनः, न के बाद ह की, ह का स्वर आ रहा है ना, पुनः, इस प्रकार। ये लिखने में नहीं आता, इसका सिर्फ स्वर आता है। तो इस प्रकार बच्चों आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी राइटिंग अच्छी होती जाएगी। अब एक क्विक रिव्यू लेते हैं। समय है होमवर्क का। होमवर्क में आपको दो बार स्वरों को लिखना है, अपनी नोटबुक पे सुंदर राइटिंग में स्वरों को दो बार लिखना है। उसके बाद जितनी ज्यादा सुंदर राइटिंग उतनी ज्यादा स्टार। लेट्स सी कौन कितने स्टार लेता है।